कुत्ते जो शेर को नानी याद दिला दे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कुत्ता शेर का शिकार कर सकता है? वही शेर जो जंगल का राजा है और बड़े बड़े खतरनाक शिकारियों को ढेर कर देता है। शायद आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कहां शेर और कहां डॉग्स, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में कुछ ऐसे डॉग्स मौजूद हैं जिनका भारी भरकम शरीर, तेज दिमाग और साहसी अंदाज और नुकीले दांतों के साथ तालमेल करता जबड़ा और मजबूत पैर उन्हें ये परमिशन देते हैं कि वो किसी शेर का शिकार कर सकें, तो आप क्या कहेंगे? कुछ मत कहिए, बस देख लीजिए। नंबर 1, पसेंजी। दोस्तों, पसेंजी डॉग ब्रीड को दुनिया की सबसे पुरानी डॉग ब्रीड माना जाता है। ये दिखने में जितने शानदार और शांत होते हैं, कारनामे में उतने ही बाकी डॉग्स के बाप होते हैं। माना जाता है कि हमारी धरती पर तब से है जब मिस्र के पिरामिड बने थे। यकीन ना हो तो कभी इजिप्ट जाइए, वहां पिरामिड्स की कई दीवारों पर इनके स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे। इन चित्रों से पता चलता है कि उस टाइम बेसेंजी की कितनी चलती थी। यूं तो ये सेंट्रल अफ्रीका में कोंगो के आसपास पाए जाते थे, लेकिन केन्या में मसाई हंटर्स हुआ करते थे जो इन डॉग्स को शेर का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनकी सूंघने की कैपेसिटी लायन की रातों की नींद हराम कर देती थी, क्योंकि बेसेंजी लायन के पीछे पड़ता तो समझ लीजिए कि उसकी हड्डी का ढेर होना बनता ही था। नंबर 2, स्लॉगी। स्लॉगी के कंकाल जैसे शरीर पर मत जाइएगा, क्योंकि आप हिल जाएंगे जब मैं ये बताऊंगा कि इस डॉग को इजिप्ट के नामी लोग, जिनमें राजा भी शामिल थे, उस शिकार के लिए इस्तेमाल क्या करते थे। यूं तो स्लॉगी खरगोश, लोमड़ी, हिरन, बोर जैसे एनिमल्स को चुटकियों में राम भरोसे कर सकता है, लेकिन रॉकी पेंटिंग्स में इस डॉग ब्रीड को जिराफ और शेरों का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। यानी ये तो साफ है कि चुटकियों में ही शेर को ढेर कर सकता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? वीडियो कौन लाइक करेगा? चैनल सब्सक्राइब है वो तो ठीक है, पर लाइक का भी तो प्रोसेस है ना। चलिए चलिए, अभी करिए। नंबर 3, अलाबाई। लालाबाई नहीं, अलाबाई। ये लोरी नहीं है जो आपको सुला दे, लेकिन हाँ, ये एक खोखार ब्रीड की आवाज है जो आपको वाकई में सुला दे। सुला दे से मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप। खैर, ये देखिए, ये अलाबाई भारी भरकम सा दिखने वाला डॉग कितना बहादुर है कि भालू को भी खड़े खड़े सू करने पर मजबूर कर दे। शेर तो क्या चीज है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है ना, तो बता दूं कि इस डॉग ब्रीड को कई कहानियों में गार्ड के रूप में दिखाया गया है। यानी इस कुत्ते का इस्तेमाल पुराने समय में सुरक्षा के लिए किया जाता था, खासकर खतरनाक जानवरों से लड़कर सुरक्षा के मामले में अलाबाई का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाथ तो वैसे भी नहीं पकड़ा जा सकता, खैर, लेकिन सच में अगर आप शेरों से परेशान हैं और किसी ऐसे जानवर की तलाश में हैं जो आपको इस परेशानी से बाहर निकाले, तो अलाबाई आपके बहुत काम का है, लेकिन ध्यान से। नंबर 4, फिला ब्राजीलेरो। लटकती खाल, भटकते गाल और खुखार आवाज, ये क्वालिटी है फिला ब्राजीलेरो की। इन डॉग्स को काफी आक्रामक और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में ये डॉग्स मैदानी या खेती वाले इलाके या बड़े और घने वृक्षों वाले इलाके में जन्मे थे, इसलिए इन्हें खतरनाक से खतरनाक शिकारी जानवरों को खदेड़ने में महारत हासिल थी। खतरनाक का मतलब नहीं समझ रहे तो बता दूं कि सामने जैगुआर हो तब भी ये उसी निडरता के साथ उसे खदेड़ते थे जैसे बिल्ली को, और जैगुआर की तो औकात ही क्या जब ये डॉग ब्रीड शेर को भी घर का रास्ता दिखा चुके हों। नंबर 5, ब्लड हाउंड। दोस्तों, खाने के शौकीन कैसे होते हैं, उन्हें दूर से ही पता चल जाता है कि घर में आज कोई जलेबियां बनाई हैं। अरे ये क्या कह दिया मैंने, मेरे मुंह में पानी आ गया। ओके, लीव इट। तो जैसे खाने के शौकीन लोगों को खाने के लोगों की नाक खाने के मामले में CID का काम करती है, वैसे ही ब्लड हाउंड की नाक शिकार के मामले में CBI का काम करती है। बोले तो सूंघते सूंघते ये आपकी छिपी हुई तिजोरी का भी पता बता सकता है। इस डॉग ब्रीड के बारे में कहा जाता है कि इसे हजारों साल पहले राजा और उनके भिक्षुओं ने विकसित किया था, और इसका नाम ब्लड हाउंड दिया गया था, जिसका मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। अफ्रीका में शेरों का शिकार करने के लिए अक्सर इस ब्लड हाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये डॉग काफी आइडियल है, यानी एक बार जो किसी के पीछे पड़ जाए तो उसकी खाल निकाल कर ही दम लेता है, तो जरा दूरी बनाए रखे। नंबर 6, टिबेटन मस्टिफ। भाई, ये वाला कुत्ता दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग लाइक वाले बटन पर हिट कर दें अपना पंच, पर धीरे से, कहीं फोन चूर चूर ना हो जाए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि शेर से भी विशाल सा दिखने वाला टिबेटियन मस्टिफ बाकी सब डॉग से कई गुना ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। सोचिए, जिसकी शक्ल देखकर हमें शेर का काल नजर आता है, उसे अगर सच में शेर से भिड़ते हुए देखे तो क्या नजर आएगा? क्या क्या मतलब, हड्डियां और मांस नजर आएगा और क्या।
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन साल 2013 में चाइना में एक जू खोला गया जहां शेर की जगह मस्टिफ को रखा गया। हालांकि कुछ लोगों की सट की जब उन्होंने देखा कि शेर भौंक रहा है, मुझे तो हंसी आएगी। वेल, बता दूं कि मस्टिफ भी एक ऐसा डॉग है जिसे अक्सर शेर के शिकार करने के लिए काम में लिया गया है। वैसे शेर तो इसे देखकर ही भाग जाएगा। नंबर 7, कंगाल। इसके नाम पे मत जाइएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने भले इसके नाम से इसे कंगाल बनाया हो, लेकिन काम से तो ये खूंखार है। इस डॉग से जुड़ी एक कहानी है जो बताती है कि कंगाल एक राजा को दिया गया। कंगाल ने राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक शेर का राम नाम सत्य कर दिया, और ये देख भाई राजा का दिल बाग बाग हो गया। बस फिर क्या था, कंगाल बन गया राजा का फेवरेट, और तभी से इसे उन कुत्तों में शुमार किया जाता है जो राजा को रातों रात भिखारी बोले तो गायब करने में कैपेबल होते हैं। दुनिया में सबसे पुराने कुत्तों में शामिल नाम से भले ही कंगाल है, लेकिन काम से वो आपको हाइना, शेर जैसे कई खतरनाक जानवरों से प्रोटेक्शन दे सकता है। नंबर 9, नियोपॉलिटन मस्टिफ। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इसकी स्किन अभी टपक जाएगी? हंसिए मत, क्योंकि मस्टिफ को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये लटकी खाल वाला डॉग हमारे बीच 3000 साल पहले से है, लगभग वही समय जब सिकंदर महान धरती पर हुआ करते थे। दरअसल उस जमाने में हट्टे कट्टे लोगों को बड़े और खतरनाक जानवरों से लड़वाया जाता था, खतरनाक जैसे शेर, हाथी, टाइगर, भालू और भी बहुत से। लेकिन उस समय नियोपॉलिटन मस्टिफ ने तो कमाल ही कर दिया। इसकी मोटी चमड़ी, मजबूत और नुकीले दांतों ने इसे इतनी पावर दी कि ये शेर से भी पंगा ले ले। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी इसे अपने साथियों की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 9, रोडेशियन रिजबैक। अफ्रीका में शेरों का शिकार करने के लिए फेमस ये डॉग दिखने में तो काफी शांत नजर आते हैं, लेकिन आपने ये तो सुना ही होगा, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन ये थोड़ा अलग है, मतलब पतला पैकेट मोटा धमाका। वैसे कुछ इनकी खासियत की बात करूं तो ये शेर के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे चोर के पीछे पुलिस। रिजबैक की स्पीड चीता को भी आंखें मसलने पर मजबूर कर देती है। ये शेर का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उन्हें अपने चंगुल में ना ले जाए। हाँ, लेकिन एक शेर को दबोचने के लिए 2 से 3 रिजबैक की जरूरत होगी। वैसे शेर का शिकार करने वाले शिकारियों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। ओ ओ ओ, ये हम आ चुके हैं अपने उस डॉग की तरफ जो इस लिस्ट में लास्ट में है, लेकिन आपके लिए यम से कम नहीं है। इस कुत्ते का नाम और शक्ल भले ही आपको बोर कर दे, लेकिन इसके कारनामे आपको डरा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना मैं इसे आपके घर भेज दूंगा। नंबर 10, बोरबोल। दक्षिण अफ्रीका में शेरों के किलर कहे जाने वाले बोरबोल अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों के लिए जाना जाता है। इसकी शार्प आंखें और तेज नाक शेर को हिला सकती हैं। यकीन मानिए, अगर आप शेरों की पीड़ा से परेशान हैं, तो आप इसके लिए बोरबेल की मदद कर सकते हैं। भले ही इसका साइज छोटा है, लेकिन हुनर शेर से भी तगड़ा। ये काफी निडर और अग्रेसिव होता है। अब आप बताइए कौन सा डॉग है जिसे आप अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है वीडियो तो आप लाइक कर ही चुके होंगे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत फनी वीडियो बनी है।